मित्र नमस्कार, मैं अजय कुमार त्यागी। आज कुछ चाणक्य के कथनों पर विचार करेंगे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि धन का नाश, मन का दुख तथा घर की बुराइयों, दोषों को, किसी के द्वारा ठगे जाने को, किसी के द्वारा अपमानित हो जाने को बुद्धिमान लोग प्रकट नहीं करते। दूसरा आचार्य चाणक्य जी का कथन है कि धन और अन्य के व्यापार, क्रय विक्रय में तथा विद्या का संग्रह करने में, भोजन के विषय में, व्यवहार में लज्जा संकोच न करने वाला मनुष्य सुखी रहता है। चाणक्य जी आगे बोलते हैं कि जो व्यक्ति संतोष रूपी अमृत से तृप्त है और शांति चित्त रहते हैं, उनसे बढ़कर सुखी कौन हो सकता है। धन के लोभ में इधर उधर भागने वालों को शांति कहाँ प्राप्त हो सकती है। ऐसे व्यक्ति सदैव तनावपूर्ण स्थिति में रहते हैं। चाणक्य आगे बोलते हैं कि अपनी पत्नी, भोजन और धन, इन तीन वस्तुओं में संतोष करना चाहिए, परंतु अध्ययन करने, तप करने और दान करने, इन तीन बातों में संतोष नहीं करना चाहिए। आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं कि दो ब्राह्मणों के तथा दो ब्राह्मण और अग्नि के, पति पत्नी के, स्वामी और सेवक के, हल और बैल के बीच होकर नहीं गुजरना चाहिए। आचार्य चाणक्य आगे बोलते हैं कि अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, गौ, कुमारी कन्या, बूढ़े और बच्चे को कभी पैर नहीं लगाना चाहिए। ब्राह्मण से यहां मतलब विद्वान से है। आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं कि छकड़ा गाड़ी को 5 हाथ दूर से, घोड़े को 10 हाथ दूर से और हाथी को 100 हाथ दूर से त्याग दें, और दुर्जन को तो देश त्याग करके ही छोड़ देना चाहिए, अर्थात दुर्जन सबसे अधिक बुरा होता है। आचार्य चाणक्य आगे बोलते हैं कि दुनिया का प्रत्येक प्राणी अपने स्वभाव के अनुसार अपनी प्रिय वस्तु को देखकर प्रसन्न हो जाता है। दुनिया का प्रत्येक प्राणी स्वभाव के अनुसार अपनी प्रिय वस्तु देखकर प्रसन्न हो जाता है, परंतु दुष्ट व्यक्ति दूसरों को विपत्ति में पड़कर देखकर ही प्रसन्न होता है। आगे बोलते हैं कि शक्तिशाली शत्रु को उसके अनुकूल व्यवहार करके, दुष्ट शत्रु को उसके प्रतिकूल व्यवहार करके वश में करना चाहिए, और अपने समान बल वाले शत्रु को विनय से अथवा बल से जीते यानी वश में करे। अचानक आगे बोलते हैं कि अर्जित धनों का त्याग करना यानी दान देना, व्यय करना ही उसकी रक्षा है। जैसे तालाब के भीतर भरे हुए जलों को निकालने से ही उसकी रक्षा होती है। आचार्य चाणक्य का मत है कि संसार में स्वर्ग में रहने वालों के शरीर में 4 चिन्ह रहते हैं, दान का स्वभाव तथा मधुर भाषण, देवों का आदर सत्कार और वेद और ब्रह्मनिष्ठों को तृप्त करना। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि वाणी की पवित्रता और मन की शुद्धि, इंद्रियों का संयम, प्राणी मात्र पर दया और धन की पवित्रता, यही परोपकारियों अथवा मोक्ष चाहने वालों की शुद्धि और पवित्रता है। आगे कहते हैं अधम धन, मध्यम धन, अधम धन, मध्यम धन व मान, दोनों तथा उत्तम श्रेणी के लोग सिर्फ मान चाहते हैं, क्योंकि महापुरुषों के लिए सम्मान ही सबसे बड़ा धन है। बहुत से व्यक्ति स्नान ध्यान के बिना कोई चीज ग्रहण नहीं करते, परंतु चाणक्य के अनुसार फूलों का रस, औषधियां, दूध आदि का सेवन आवश्यकता पड़ने पर स्नान आदि से पूर्व किया जा सकता है। चाणक्य आगे बोलते हैं कि अजीर्ण में जल औषधि है, जीर्ण में बलदायक, और भोजन के मध्य यह अमृत है, भोजन के बाद विष। चाणक्य जी कहते हैं कि बुढ़ापे में पत्नी का मरना, अपने द्वारा धन हड़प लेना, अपनों के द्वारा धन हड़प लेना, दूसरों की अधीन भोजन करना,
ये तीनों ही दुखदाई हैं। एक बार फिर, बुढ़ापे में पत्नी का मर जाना, अपनों के द्वारा धन हड़प कर लेना, दूसरों के अधीन भोजन करना, ये तीनों ही दुखदाई हैं। श्रद्धा पूर्वक कार्य कल्याण पूर्वक किया जाए, उस कार्य में परमेश्वर की कृपा से अवश्य सफलता मिलेगी। अतः मनुष्य की श्रद्धा भावना ही प्रतिमा में देवता का वास मानती है, और भावना का अभाव प्रतिमा को साधारण जन पदार्थ बना देती है। चाणक आगे बोलते हैं, क्रोध में मनुष्य पाप कर डालता है, वह यमराज बन जाता है, तृष्णा वैतरणी के समान है, विद्या कामधेनु तथा संतोष नंदन वन के समान है। अच्छा, चाणक आगे बोलते हैं कि औषधियों में अमृत प्रधान है, सभी औषधियों में अमृत प्रधान है, क्योंकि उसमें सभी रोगों के शमन की अद्भुत क्षमता है। सभी प्रकार के सुखों में भोजन प्रधान है, क्योंकि भूख की निवृत्ति के बिना मनुष्य की शांति प्राप्त नहीं हो पाती। सभी इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जिह्वा आदि के नेत्र ही प्रधान हैं, क्योंकि दृष्टि के बिना तो सर्वत्र अंधकार ही अंधकार है। तथा शरीर के सभी अंगों में सिर अथवा चिंतन शक्ति अंग ही प्रधान अर्थात सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। स्वर्ण में गंध, गन्ने में फल और चंदन में पुष्प नहीं होते। इसी प्रकार विद्वान व्यक्ति धनी नहीं होते, राजा लोग दीर्घायु नहीं होते। यदि भगवान इससे उल्टा करे तो शायद बहुत ही उत्तम होता, परंतु सृष्टि के नियम को बदलने की क्षमता किसी में है? सृष्टि के नियम को नहीं बदला जा सकता। चाणक आगे बोलते हैं कि ये सात व्यक्ति, विद्यार्थी, नौकर, राह चलने वाला मुसाफिर, भूखा, भैंसे घबराया हुआ, भंडारी तथा द्वारपाल, अगर सो रहे हों तो इन्हें निसंकोच भाव से जगा देना चाहिए, क्योंकि इनके कर्तव्य कर्म का निर्वाह इनके जागने में ही है, सोने में नहीं। इनका सोना इनकी प्रमाद का सूचक और हानिकारक है। आगे सोते हुए इन सातों, सांप, राजा, सिंह, बर, बालक, दूसरे का कुत्ता तथा मूर्ख व्यक्ति को कभी नहीं जगाना चाहिए, क्योंकि इनके जगाने से मनुष्य को केवल हानि ही नहीं अपितु प्राण नाशक तक की संभावना रहती है। चाणक आगे बोलते हैं कि गन्ना, तिल, शूद्र माने मूर्ख व्यक्ति, स्त्री, सोना, धरती, चंदन, दही और पान को जितना अधिक मसला जाए उतने ही अधिक उनके गुणों में वृद्धि होती है। प्यारे दोस्तों, आगे फरमाते हैं कि लोभी व्यक्ति के लिए मांगने वाला, मूर्ख के लिए ज्ञान, चोरों के लिए चंद्रमा एवं दुराचारी स्त्री के लिए पति उसके शत्रु होते हैं। आचार्य कहते हैं कि आप्त पुरुष यानी ज्ञानी पुरुष से द्वेष रखने पर मृत्यु प्राप्त होती है। दूसरों से द्वेष करने से लक्ष्मी का क्षय होता है। राजा से द्वेष करने पर सर्वनाश हो जाता है, और विद्वान से द्वेष करने पर कुल का नाश हो जाता है। आचार्य चाणक आगे बोलते हैं, बाघ, हाथी आदि वैनले पशुओं से भरे वन को ग्रहण कर लीजिए। किसी वृक्ष के नीचे रहकर फल, कंदमूल या पत्तों का भोजन कर लीजिए। घास के ऊपर सो लीजिए। वृक्ष की छाल में अपना शरीर ढक लीजिए, परंतु निर्धन होकर अपने सगे संबंधियों या मित्रों के बीच न रहिए। कितनी ऊंची बात कही। आचार्य आगे बोलते हैं कि अन्न से 10 गुना शक्ति आटे में, आटे से 10 गुना शक्ति दूध में, दूध से 10 गुना शक्ति मांस में, और मांस से 10 गुना शक्ति घी में होती है। अच्छा दोस्तों, उम्मीद है आपको ये चंद बातें जो आज चाणक्य महाराज जी ने कही थी आपको अवश्य पसंद आई होंगी। धन्यवाद।